अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो मॉड्यूल है सिलेनियम, ठीक है, फ्रेमवर्क है बेसिकली। तो ये बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो बनाए जाते हैं उनकी टेस्टिंग के लिए ऑटोमेटेड टूल है जिसको यूज़ किया जाता है। लेकिन स्क्रैपिंग में क्या होता है कि स्क्रैपिंग में बेसिकली हमारे पास एक जो उनकी है वो स्टैटिक वेबसाइट होती हैं, ठीक है। तो जो स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं उनको हम जो रिक्वेस्ट हैं, लाइब्रेरी है, ठीक है, और फिर हमारे पास जो पासिंग मॉड्यूल्स हैं, ब्यूटीफुल सोप है, ठीक है, उसको तो हम पास कर सकते हैं। ये हमारे पास एक और था एक्सएमएल था, ठीक है, उसको तो हम पास कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास स्क्रैपी एक बहुत फास्ट फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब एक तो हमारे पास होती है डायनामिक वेबसाइट। जितने भी अब ज़्यादातर वेबसाइट्स हैं वो डायनामिक वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो अगर हम डायनामिक वेबसाइट्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें डेटा जो है ना वो जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते हो वैसे वैसे डेटा लोड होता है, ठीक है, डायरेक्ट लोड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है, किस तरह, फॉर एग्जाम्पल मैं कोर्स उस ऐप ओपन करूँगा वेबसाइट, तो जैसे ही मैंने ओपन किया पूरा का पूरा डाटा इसका क्या हो गया, लोड हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे जहन में यही वेबसाइट आ रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये जिलो एक वेबसाइट है, ठीक है, ये जिलो एक वेबसाइट है, ठीक है, इसके मैं डायरेक्ट यहाँ पर गया हूँ, ठीक है। वैसे अगर आप जिलो वेबसाइट को ओपन करो ना तो उसका इंटरफेस जो है वो होम पेज उसका इस तरह का आता है आपके सामने, ठीक है। लेकिन फिर आगे मैंने क्या किया, आगे मैं होम्स में गया हूँ और मेरियन काउंटी, ठीक है, फ्लोरिडा, ये इनके आगे कोई स्टेट है जिसके अंदर ये रियल स्टेट की बेसिकली जो लोग वेबसाइट है, जहाँ पे यहाँ पे प्लॉट्स वगैरह और घर वगैरह होता है, ये कितना रेंट है, सोल्ड आउट हो रही है तो कितने रेट्स हैं और सारा कुछ, तो उस घर के अंदर कितने बेड हैं, कितने बाथ हैं, कितने स्क्वेयर फुट का, ये सारा डिटेल्स है, ठीक है। अब और भी इस तरह की बहुत सी वेबसाइट होंगी, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये डायनामिक वेबसाइट है, जैसे जैसे मैं वेबसाइट को मतलब जिस स्क्रॉल करूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं इधर लेके जाता हूँ, देखिए अभी ये लोड नहीं हुआ, ये देखिए ये जैसे जैसे मैं डाउन करूँ साथ साथ स्क्रॉल हो रही है वेबसाइट, ठीक है। अब देखिए इसकी इमेजेस नहीं आए, थोड़ा तो सा नीचे लेके जाएंगे, ये देखें अब आ गए इमेजेस। तो अगर हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं इसी तरह, तो अगर नेक्स्ट पेज पर जाऊँगा सेकेंड पेज आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड पेज पे जो डेटा है ना वो जैसे जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ वैसे वैसे डेटा अपलोड होता है, ठीक है। तो इसमें डेटा मतलब आप ये कर लो कि एक ही दफ़ा वेबसाइट जैसे हम उसको करते हैं, क्या कहते हैं उसको, एक्सेस करते हैं, तो वो पूरा का पूरा डेटा उसका नहीं लेता है, ठीक है। अगर हम इधर से चेक करें, ये बैक करता हूँ, दोबारा इसको लोड करता हूँ, तो अगर मैं इसको F12 करता हूँ, ठीक है, और F12 करके मैं अगर थोड़ा सा इसको मैं नेटवर्क पे ले जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ इसकी कोई भी चीज़, अगर मैं चेक करना चाहता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल तो इमेजेस से अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो IMG, ठीक है, तो IMG के मैं टैग देखता हूँ। अगर मैं डबल फॉरवर्ड स्लैश और IMG लिखता हूँ, ठीक है, IMG तो ज़्यादा हो जाएगा, कोई ऐसा स्पेसिफिक टैग जो उसमें यूनिक हो, तो अगर मैं ये चीज़ देखूँ कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, अगर मैं उसको सर्च करूँ, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा कि कहाँ से आपको मैं दिखाऊँ, कहाँ से आपको इंश्योर करा सकूँ कि जब तक पूरी वेबसाइट लोड नहीं होगी, ठीक है, जब तक मैं स्क्रॉल नहीं करूँगा, देखिए अब जैसे स्क्रॉल किया अब ये लोडिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है, फिर नीचे अभी तक देखिए लोडिंग, अब लोडिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है। और इस तरह करके मैं आपको एक और तरीके से भी इसको शो करवा सकता हूँ आपको,
अगर मुझे ये साइट ब्लॉक ना करे तो, इसमें ये वेबसाइट अगर हम ऑटोमेटेड के थ्रू करें तो कैप्चर भी आ जाता है, तो सिर्फ शो करवाने के लिए कि डायनेमिक वेबसाइट और स्टैटिक वेबसाइट में क्या फ़र्क है। अदरवाइज आपको शो तो हो गया, आप समझ तो आ गई होगी, लेकिन ज़्यादा इंश्योर करवाने के लिए मैं आपको चेक करवाना चाह रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, एक तो स्क्रैपी शेल ओपन कर लेते हैं, और इस स्क्रैपी शेल को डायरेक्ट मैं आप स्क्रैपी शेल और साथ मैंने ये इसका पाथ दे दिया, ठीक है। तो चेक करते हैं रिव्यू रिस्पॉन्स इसका क्या है, इसने गेट करता है। अब मैं इसका व्यू देख लेता हूँ, तो व्यू लिखा और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, रिस रिस्पॉन्स, ठीक है, व्यू और रिस्पॉन्स। अब मैं अगर इसको चेक करता हूँ इसने डाटा कौन कौन सा डाटा गेट किया है, तो अगर देखें अब यहाँ पे देखें जीरो का बॉट आ गया, कह रहे प्लीज़ वेरीफाई यू आर ए ह्यूमन टू कंटिन्यू। ये काफ़ी टफ वेबसाइट है, ये इतनी ईजी नहीं है स्क्रैप करना, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब ये बॉट आ गया, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली इस वेबसाइट को एक्सेस करें, ठीक है, डायरेक्टली जिस तरह मैंने अभी आपको एक्सेस करके दिखाया है, डायरेक्टली वेबसाइट को एक्सेस करें यहाँ पर करें, तो यहाँ पर भी आ सकता है बॉट, लेकिन वो उसको हम कैप्चर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अब देखें मैं इसको सॉल्व, लेकिन जैसे ही मैं स्क्रैपी से उसको किया है तो आप यहाँ पे देखें वो वहाँ पे बॉट आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको कहाँ पे ये देखें, अब इसने इसको स्क्रैप नहीं करने दी, ठीक है। तो अब इसको कैसे बाईपास करेंगे, उसका एक तरीका होता है कि हम वीपीएन लगा लें, दूसरा एक आईपी दे दें उसके थ्रू कर लें, दो तीन दफ़े जब हम ट्राई करते हैं और हेडर्स वगैरह देते हैं तो उससे फिर हो जाता है। इसके लिए जो मैं दिखाना चाह रहा था वो यहाँ पर हुआ नहीं, इसमें सर ये शो करवाना आपको चाह रहा था कि जस्ट अगर हम उसके थ्रू फेच कर भी लेते हैं ना डेटा, तो जस्ट आपके सामने ये अब जिस तरह ये आ रहे हैं ना यहाँ पर ये सारा कुछ कितने प्लॉट्स हैं, तो जस्ट 5, 6 या 10, 12 एंट्री आती हैं, तो बाकी एंट्री नहीं आती, वो डायनेमिकली होती है। तो वो डायनेमिक वेबसाइट को यूज़ करने के लिए फिर हमें क्या चीज़ पढ़ना पड़ता है, फिर उसके लिए और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए आज जो मैंने आपको काम कराया ना वो एक हमारे पास एक सिलीनियम है, देखते हैं सिलीनियम है क्या, फ्रेमवर्क है या मॉड्यूल है, SELENIUM, सिलीनियम, ठीक है। तो सिलीनियम बेसिकली क्या है कि ऑटोमेशन ऑटोमेट ब्राउजर है। व्हाट यू विल डू दैट पावर इज एंटायरली योर टू प्राइमरी योर ऑटोमेटिक वेब एप्लीकेशन फॉर टेस्टिंग, बेसिकली तो ये वेब एप्लीकेशन की टेस्टिंग के लिए है, ठीक है, सिलीनियम। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, इसको हम वेब स्क्रैपिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और वो कौन सी वेबसाइट को स्क्रैपिंग के लिए, डायनेमिक वेबसाइट की स्क्रैपिंग, ठीक है। तो डायनेमिक वेबसाइट की स्क्रैपिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो आज हमारा इसी पे ही काम होगा, सिलीनियम पे, कि सिलीनियम को कैसे हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने उसको पाइथन में इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। अच्छा, कि जिसका माइक ऑन है माइक काइंडली ऑफ कर दें, वो शोर आ रहा है, अगर वो बात करनी है तो बताएं। कोई बात नहीं, ठीक। अच्छा, तो अब क्या है कि अब आपने इसको इंस्टॉल करना है, तो उसी तरह पाइथन और अपना पिप इंस्टॉल और सिलीनियम, ठीक है। अगर इसको इंस्टॉल करेंगे पिप इंस्टॉल सिलीनियम तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैं चेक ही करवा देता हूँ आपको, यहाँ पे अगर हम लिखे पिप इंस्टॉल SELENIUM, तो ये देखें रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो सिलीनियम जो उनसा है, हाँ ठीक है, वो कह रहे पिप का नया वर्जन आया हुआ, ठीक है। तो आपने इस तरह पिप इंस्टॉल सिलीनियम करना तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसके ना अगर आप नेट पे देखेंगे तो दो तीन चीज़ें हैं जिसमें वो क्या करते हैं कि वो पाथ में ना ये क्रोम का एक ब्राउज़र जो है ना वो इंस्टॉल करके, या जो वर्जन होता है उसका पाथ यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। तो वो जो थी ना पहले उसको यूज़ किया जाता था, ठीक है। लेकिन इसमें एक ये चीज़ होती है कि आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड करो, सबसे पहले अगर आप चलाओगे तो पहले डाउनलोड होगा उसके बाद फिर वो चलता रहेगा, ठीक है। उसके लिए ये है कि आपको पाथ उसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है, अब ये फ्रॉम सिलीनियम से एक अपने वेब ड्राइवर अपने इंपोर्ट कर लेना है, कुछ का फंक्शन एक सर्विसेज कर लेना है, ये पाए जो उनसे ना एक्स पाथ के लिए, अगर आपने एक्स पाथ यूज़ नहीं करना तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये क्रोम ड्राइवर मैनेजर है जो कि क्या करेगा, जब आप इसको चलाओगे ना तो ये क्रोम ड्राइवर मैनेजर इंस्टॉल करना शुरू करेगा, ये कोड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी करेगा वेब ड्राइवर डॉट क्रोम सर्विसेज सर्विसेज, ये है क्रोम ड्राइवर मैनेजर डॉट इंस्टॉल, ये जो है ना ये जब आप चलाओगे तो एक दफ़ा ये आपके पास रन टाइम पे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये चलने लग जाएगा।
उसमें पहले वाले में क्या होता था, ये जो हमारे अगर वो यूट्यूब पे वीडियोस देखो तो उसमें पाथ दिया होता है, उस पाथ के थ्रू करते हो, तो वो कभी कभी आप जो हमसे अब वो पाथ के थ्रू करो तो वो वर्किंग नहीं मेरी तरफ कर रहा था, ठीक है। तो फिर मैंने इसको इंस्टॉल किया, लेकिन ये इसमें वो पाथ वाला प्रॉब्लम नहीं आता, इसमें आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने ड्राइवर कर लिया, अब आपने किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है, ठीक है। और ये एक बेसिकली हम क्यों सेलेनियम यूज़ करते हैं स्क्रैपिंग में, जब हमें डायनामिक वेबसाइट को स्क्रैप करना पड़े, स्टैटिक वेबसाइट के लिए तो हमारे पास स्क्रैपी सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, ठीक है, स्क्रैपी। लेकिन अब उसमें हम क्या करते हैं कि आगे जाके हम क्या कहते हैं, हम स्क्रैपी और सिलीनियम को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कि पहले हम जो डेटा डायनामिक है वो सिलीनियम के थ्रू गेट कर लिया, और फिर स्क्रैपी के थ्रू जो स्टैटिक डेटा है उसको स्क्रैप किया, तो हम इनको मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं, अगले लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है। तो आज हम सिर्फ डायनामिक वेबसाइट को देखेंगे कि उसमें से हमें क्या करते हैं, हम आज उसमें डायनामिक वेबसाइट पर सिलीनियम को किस तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल हमने इंपोर्ट कर लिए इनके फंक्शंस, फिर आपने लिखना है यूआरएल, ठीक है, जिस वेबसाइट को आप स्क्रॉल करना चाह रहे हो या करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आज जिस वेबसाइट को हम करना चाह रहे हैं वो लॉगिन वाला पेज है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली हमारा जो बॉट है वो उस पर जाए, वो यूज़र नेम दे, पासवर्ड दे और लॉगिन करे, ठीक है। ये वाला काम हम इससे करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे हमारा ओपन हो, ये वाले लॉगिन, यूज़र नेम दे, पासवर्ड दे और लॉगिन के बटन पे क्लिक करें। उसके लिए क्या है, हमारे पास इसको हमने यूआरएल को कॉपी कर लिया, ठीक है, और हमने यूआरएल में दे दिया, ठीक है। अब सिंपल आपने क्या करना है, जस्ट आपने लिखना है ड्राइवर डॉट ड्राइवर डॉट गेट, ठीक है, और यहाँ पर आपने इसको यूआरएल देना। अब क्या करेगा ये पेज, अब जैसे ही आप इसको ओपन करोगे ये वेब ब्राउजर ओपन करेगा और इस वेबसाइट को एक्सेस करेगा और बंद हो जाएगा, ठीक है। कोड नहीं किया मैंने तो बंद नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ पे चलाता हूँ, सिर्फ मैंने अभी ये कोड लिखा है, ठीक है, ड्राइवर डॉट गेट, तो यहाँ पर मैंने इसका कोड चलाऊँ तो यहाँ पे आते हैं खराब होगा, इधर से चलाते हैं ये हमारे काम, और इसको मैंने सेव नहीं किया, तो सेव के बगैर कि हाँ जी हाँ नो सच फाइल रखा। अच्छा, मैंने अब इसको सेव नहीं किया तो मैं इसको जो सा है सेव करूँगा, मैं दोबारा कर देता हूँ सेव इसको, ठीक है, सेव कर, हाँ जी सेव नहीं हुआ, तो यहाँ पर मैं इसको एग्जाम्पल स्क्रिप्ट में यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ सेविंग का, लॉगिन बॉट, ठीक है, नाम रख दिया इसका। अच्छा जी, अच्छा मैं पाइथन फाइल बनाना चाह रहा था बेसिकली, इसको दोबारा से उसमें बना लेते हैं, न्यू फाइल करके जुपिटर पाइथन फाइल को बना ली, फाइल न्यू फाइल और ये जुपिटर नोट फाइल, ठीक हो गया। और इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं इसको चलाता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे, ठीक है, हो गया, अब ये चल रहा है। ब्राउज़र ओपन हुआ है, ठीक है, अब ये उस पेज पे गया है course.scrap.com लॉगिन वाले पेज पे, और यहाँ पर जाकर ये रुक गया, ठीक है। तो आगे हमने ड्राइवर डॉट क्विट नहीं किया, क्विट करते तो ये बंद हो जाता, ठीक है। तो अभी अगर मैं करूँ तो इसको मैं यहाँ पे ये वाला पेज नहीं था, ये वाला था, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, ठीक है, और स्क्रैपिंग को भी यहाँ बंद कर देता हूँ, और ये वाला, ठीक है। अब ये इसका मतलब है, यहाँ पे अब इसने क्या किया, इसने इस को पेज को क्या कर लिया, गेट कर लिया, ठीक है। गेट करने के बाद अब मैं कहता हूँ कि ये इसने गेट तो कर लिया, अब ये क्या करे, इसको फिल भी करे, इस पर खुद लिखे। उसके लिए क्या है, सबसे पहले F12 पे जाऊँगा, मैं इसका पाथ देखूंगा, एक्स पाथ सी एस एस के थ्रू भी कर सकते हैं, मैं एक्स पाथ पे तो काम करूँ, तो
तो क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आईडी के थ्रू कर सकते हैं, नेम के थ्रू कर सकते हैं, जिसके मर्जी थ्रू। हम कंट्रोल एफ किया, या एक्स पाथ बनाते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश डाला और मैंने स्टैटिक डाल दिया। और अब मैं करता हूँ ऐट द रेट, फॉर एग्जाम्पल इस एट्रीब्यूट को, तो ऐट द रेट लिखें और इधर लिख दें, आप आईडी लिखना चाह रहे हैं तो आईडी के थ्रू कर लें, ऐट द रेट आई डी इज इक्वल टू, आईडी क्या हो, आईडी इज इक्वल टू यूजर नेम, ठीक है। आईडी इज इक्वल टू क्या, यूजर नेम, यहाँ पे देखें एक सिलेक्ट हुआ, इसको आप अपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ जी, आईडी के लिए हैश नहीं यूज करना। नहीं नहीं एक्स पाथ है, एक्स पाथ में आप ऐट द रेट यूज करते हैं, वो हैश आई थिंक उसके अंदर है, अगर हम सी एस एस सेलेक्टर यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पर यूजर, यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक्स पाथ यूजर नेम कोई भी दे दे ताकि आपको पता चले एक्स पाथ का यूजर नेम, तो यूजर नेम एक्स पाथ का हमने दिया। यहाँ पे मैं सिंगल कोट डाल देता हूँ और यहाँ पर भी मैं सिंगल कोट डाल, ठीक है। अब ये एक्स पाथ का यूजर नेम हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको ये तो एक्स पाथ हो गया, अब इसको फाइंड कैसे करेंगे। इसमें होता है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, देखें फाइंड, अगर हमने ज़्यादा एलिमेंट्स है तो फाइंड एलिमेंट्स, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर हो, जिस तरह आप यहाँ पे देखें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट गेन करना है तो फाइंड एलिमेंट, एक से ज़्यादा है, जिस तरह हमने अगर पूरे कोर्स अगर सर्च करनी है, ये देखिए इसके थ्रू ये 10 है तो इसको फाइंड एलिमेंट्स आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर जस्ट आएगा लॉगिन वाला पेज से करके बंद कर दिया, ये लॉगिन वाला पेज मैंने बंद कर दिया, नहीं ये पेज, यहाँ पे देखिए एक ही है तो ये फाइंड एलिमेंट आएगा, ठीक है। फाइंड ड्राइवर डॉट फाइंड, दोबारा कर ले, डॉट फाइंड, ये फाइंड एलिमेंट, ठीक है। अब ये फाइंड एलिमेंट किसके थ्रू करना है, ये हमने एक और डाउन यहाँ पे किया हुआ इंपोर्ट बाय से, तो यहाँ पे आप लिखोगे डी वाई बाय डॉट एक्स पाथ, एक्स पाथ और कॉमा और फिर एक्स पाथ दे दो, तो एक्स पाथ कौन सा, ये एक्स पाथ यूजर नेम, एक्स पाथ यूजर, ये देखिए ये कैसे हमने किया है, ड्राइवर लिया, ठीक है, और डॉट फाइंड एलिमेंट करें, क्योंकि इसमें हमने ड्राइवर में गेट यूर, इस यूआरएल का सारा डेटा किस में, इस ड्राइवर में, तो ड्राइवर डॉट, अब इसको फाइंड एलिमेंट करना है किसके थ्रू, बाय डॉट एक्स पाथ, और एक्स पाथ और आगे इसको दो पैरामीटर चाहिए, एक्स पाथ के थ्रू फाइंड करो और फिर एक्स पाथ देना, ये एक्स पाथ हमने एक वेरिएबल लिया, तो उसको डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं या वेरिएबल के थ्रू भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब उसके थ्रू हमने करना क्या है इसको, अब इसमें हमने बेसिकली इस एलिमेंट के क्या करें, इसको फिल करना है बेसिकली, इसके अंदर एंटर करनी है, तो यहाँ पर भी हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं सेंड कीज, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हो कि आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख दो आप यूज़र नेम, या यूज़र एन ए एम ई यूज़र नेम, ये लिख लो आप, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख लो यूज़र यूज़र नेम डॉट सेंड कीज, ठीक है। और यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल लिख दो यासिर, ठीक है। और नीचे मैं एक इनपुट एलिमेंट दे देता हूँ फिर रोकने के लिए कि प्रोग्राम हमारा रुका रहे, ठीक है। प्लीज एंटर वैल्यू, और नीचे मैं लिख देता हूँ ड्राइवर, ठीक है। अब हम इसको चलाते हैं, अब ये क्या कर रहा है, बेसिकली हमने किया क्या है, ड्राइवर गेट यूआरएल किया, हमने एक एक्स पाथ लिया है, ठीक है। इस इसका नहीं, सॉरी इधर गया वो, इसका हमने एक्स पाथ लिया है, ठीक है, ये इसका एक्स पाथ है यूज़र नेम का। अच्छा एक्स पाथ लेने के बाद अब हमने क्या किया है, उस एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर क्या किया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, इस एलिमेंट को फाइंड करो, लेकिन इस एलिमेंट को फाइंड कैसे करना है, एक्स पाथ के थ्रू फाइंड करना है। अच्छा एक्स पाथ के थ्रू फाइंड कर लिया, एक्स पाथ की तरह ये एक्स पाथ दे दिया, अब एलिमेंट हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यूज़र नेम करना है क्या, सेंड कीज, अगर हमने कुछ राइट करना है तो सेंड कीज, ठीक है, राइट कर लिए सेंड कीज,
और यहाँ पे मैंने ये सब इनपुट इसलिए लिया है उसका प्रोग्राम और जैसा आपको दिखाने के लिए, अदरवाइज ये इतनी तेज़ी से होता है कि वो फिर शो नहीं करता। ठीक है, तो इसको अब चलाते हैं, इसको यहाँ प्ले करना है। अच्छा, जैसे अब हमने यहाँ प्ले किया, अब यहाँ देखें कि ये ओपन हुआ है। ठीक है, और रिकॉर्ड द टू लॉगिन पे किया है, स्क्रैप पे, यहाँ पे देखिए इसने यासिर लिखा है। ठीक है, और अब यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया। रुका क्यों हुआ है, मतलब रुक गया क्योंकि यहाँ पे मैंने इनपुट दे दी, ये इनपुट अपडेट कर रहा है। यहाँ पे फर्ज अब तक कोई भी लिख दें, अली लिख के एंटर कर दें। जैसे एंटर किया देखें यहाँ पे ब्राउज़र बंद हो गया, ऑटोमेटिकली ब्राउज़र बंद हो गया क्योंकि मैंने यहाँ ड्राइवर डॉट क्विट लिखा है। अगर ड्राइवर डॉट क्विट ना रखता तो ब्राउज़र यहाँ ओपन होता। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया आपको? ठीक है, क्लियर है? अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई? ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम दूसरा पासवर्ड का भी इसी तरह एलिमेंट लेंगे और फिर हम क्लिक करेंगे बटन पे, ताकि ऑटोमेटिकली बटन पे क्लिक हो। तो हम क्या करते हैं, ये सेंड कीज कर दी। ठीक है, अच्छा दूसरा हम बना लेते हैं पासवर्ड का, यहाँ पे बेशक एक्स पास यही बना लो, तो एक्स पास बना लेते हैं। इस यूज़र ने इसका क्या एक्स पास होगा, इसका एक्स पास फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड होगा, यहाँ बना लो आप। ठीक है, तो उसके क्या है, आईडी पासवर्ड है, तो इसी तरह आईडी और यूज़र नेम की जगह आप क्या लिख दोगे, PAWSWRD पासवर्ड लिख दोगे, पासवर्ड हो गया। इसको कॉपी किया और यहाँ पे लिख दिया एक्स पास पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे ये आपने एक्स पास पासवर्ड रखा। ठीक है, यहाँ पे सिंगल कोटेशन दे दी और यहाँ पे भी सिंगल कोटेशन। ठीक हो गया, पासवर्ड हो गया। अब आपने उसी तरह यहाँ पर लिख लेना है PAWSWRD पासवर्ड और यहाँ पे लिख लेना ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स पाथ। ठीक है, एक्स पाथ से करना है और आपने दे देना है एक्स पाथ कौन सा है, एक्स पाथ पासवर्ड, ये दे दिया। अब आप दे दो जी यूज़र नेम ये था, अब आप दे दो, जब आप इसको इकट्ठा लिख दो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये एक्स पाथ उसका हो गया, ये यूज़र नेम फाइंड एलिमेंट हो गया, पासवर्ड डॉट फाइंड एलिमेंट हो गया, यूज़र नेम डॉट सेंड की हो गया, यहाँ पर लिख ले पासवर्ड डॉट सेंड कीज। ठीक है, यहाँ पे भी आप शक यास जो मर्जी लिख दे, क्योंकि ये एक जो डमी है। अच्छा, ये हो गया, यहाँ तक तो ये लिख लेगा खुद। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कि इस पे जाए वो, यूज़र नेम दे पासवर्ड और फिर क्लिक भी करे। इसी तरह हमने इसको सेलेक्ट कर देना, इसका एक्स पाथ देख लेंगे, इसका क्या एक्स पाथ होगा। एक्स पाथ हम कर लेते हैं वैल्यू लॉग इन पे देखते हैं। अगर हम कहें कि एट द रेट VALUE वैल्यू अगर हो लॉग इन, ठीक है, एक्स पाथ हमने खुद बनाना होता है, NOGIN लॉग इन, तो वैल्यू लॉग इन होते पूरा एलिमेंट देखे सेलेक्ट होता, पूरा एलिमेंट सेलेक्ट हो गया। अब इसको कर लें कॉपी और अब आप इसको क्या करो, इसका फिर एक्स पाथ बना लो, एक्स पाथ लॉग इन बटन, जो मर्जी नाम रख दो, ये हो गया ताकि आपको, ठीक है, ये रख दिया। अगर उसको मैंने सिंगल कोटेशन दे दिया, नीचे डबल कोटेशन, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ लिखना है लॉग इन बटन, एक वेरिएबल बना लिया, अब लिखा ड्राइवर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स पाथ, और आगे मैंने दे देना है एक्स पाथ, कभी कभी काम नहीं करता ये लॉग इन, तो यहाँ पे कॉमा देना, कॉमा, अब लिखें एक्स पाथ, ये आ गया लॉग इन बटन। ठीक है, अब उसी तरह ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किस तरह करना है, बाई डॉट एक्स पाथ से, और ये एक्स पाथ। अब यहाँ पर आपने करना है लॉग इन बटन, यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हो डॉट क्लिक, ठीक है, डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हो, लेकिन आप बेहतर है इस वेरिएबल करके करो तो ज़रा ईजी अंडरस्टैंडिंग हो, तो लॉग इन डॉट बटन डॉट क्लिक। ठीक है, और फिर ये अब क्या करें, ऑटो क्लिक होगा, फिर आगे मैं क्या दे दूंगा, आगे मैं इनपुट दे दूंगा ताकि वहाँ पे हमारा प्रोग्राम रुक जाए, तो इनपुट ले। ठीक है, तो वैल्यू करें तो फिर हमारा क्या करें, ड्राइवर डॉट, अगर हम बंद करना चाह रहे हैं ड्राइवर डॉट
ठीक है, तो अब इसको हम चलाते हैं और यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम ले लेता हूँ, इम्पोर्ट इम्पोर्ट टाइम, ठीक है, और यहाँ पे मैं थोड़ा वेट करवा लेता हूँ उसको, सिर्फ आपको शो करवाने के लिए। टाइम डॉट स्लीप, तो स्लीप हो जाए 30 सेकेंड, ठीक है, फिर पासवर्ड, फिर टाइम डॉट स्लीप, फिर 30 सेकेंड का रो, और फिर बटन पर क्लिक। ठीक है, तो अब हम इस कोड को चलाते हैं। ठीक है, अब ये ब्राउज़र ओपन किया इसने, कोड डॉट स्क्रैप पे गया, तो यहाँ पे यासिर लिखा, वेट किया, अब उसने पासवर्ड लिखा, 3 सेकंड वेट करेगा, लॉगिन पे क्लिक किया, ऑटो लॉगिन पे क्लिक किया, ठीक है, अब वो हमारा यहाँ पे इनपुट कर रहा है, ठीक है, इनपुट का वेट कर रहा है। अब जैसे ही मैं इनपुट दूंगा, यहाँ पे देखिए ये ब्राउज़र ओपन है, ठीक है, यहाँ पे अब देखें ब्राउज़र क्लोज हो जाएगा जैसे मैं इनपुट दूँगा, फॉर एग्जाम्पल 25 दिया, देखिए देखिए ड्राइवर कोड होगा, ठीक है, तो अब ये कोड, ठीक है, तो इस तरह करके हम जो सा फॉर एग्जाम्पल हमें कोई लॉग इन फॉर्म हमें फिल करने पड़ते हैं ऑटोमेटेड, तो हम इस तरह करके ऑटोमेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ की आपको समझ आ गई है, क्लियर है? ठीक है, अब इसमें बेसिकली हमने करना क्या होता है, ये तो हो गया फॉर्म फिलिंग की। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इसमें स्क्रोलिंग करनी है, ठीक है, ऑटो स्क्रोल करना है, ठीक है, पेज को, जैसे ड्राइवर पेज ओपन हो वो ऑटो स्क्रोल करे, ठीक है, तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हम कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, क्या कहते हैं, कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हम स्क्रोलिंग करते हैं इसकी ना, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ये एक वेबसाइट है जो कि डायनेमिक लोड होती है, तो हम क्या कहते हैं पूरा पेज ऑटोमेटिकली पहले खुद स्क्रोल करते हैं, ठीक है, कोई भी हमारी वेबसाइट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यही वेबसाइट ले लेते हैं, ठीक है, अब ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट जो सी है वो डायरेक्ट ओपन नहीं करते, हम कहते हैं वेबसाइट ओपन हो, ठीक है, और फिर वो पूरी स्क्रोल करे, इसमें कोई नहीं, हाँ, तो हम कहते हैं इस तरह वेबसाइट ऑटो इस तरह करके पूरा स्क्रॉल करे खुद से, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं कि हम उसको कैसे करें, ठीक हो गया, तो इसी को हम ले लेंगे, बुक्स वाली वेबसाइट को ले लेंगे, bookstagram.com, इसको हम देखेंगे कि इसको ओपन करेंगे और इसको ऐसे करके नीचे स्क्रॉल करेंगे, क्योंकि तो डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, जैसे जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं देन वो क्या करती है, देन वो डाटा अपलोड करती है, ठीक है, जैसे जैसे हम डाउन करते जाते हैं डेटा लोड होता जाता है, तो हम क्या करेंगे जैसे जैसे पहले नीचे तक पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली सारा का सारा डेटा जो उनसे है वो हमारे पास आ गया होगा, ठीक है, तो इसको अब हम करते हैं जी। अब इसको कैसे करेंगे, अब अगर उसे F12 दबाओ तो ये हम करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ तो कंसोल में जाओ तो यहाँ पे ना हमारे पास जावास्क्रिप्ट कोड रन करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं विंडो विंडो डॉट स्क्रोल, एक हमारे पास होता है फंक्शन विंडो डॉट स्क्रोल, और यहाँ पे आप लिखो ना 0.200, अब आप देखना ये अभी फिलहाल ऊपर है ना, अब आप देखना नीचे थोड़ा सा स्क्रोल हो, जैसे ही मैं इसको रन करूँगा नीचे हो जाएगा, अब देखें एंटर दबाया नीचे हो गया, ठीक है, पहले देखिए बिल्कुल फुल था, अच्छा अब मैं दोबारा दबाता हूँ 0. मैं यहाँ लिखता हूँ 900, देन आपको ज़्यादा ज़्यादा शौक, अब देखिए बिल्कुल स्क्रॉल ऊपर है, मैंने जैसे ही एंटर किया देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0. लिख दूँ 1500, फिर आप देखना स्क्रॉल बार कहाँ जाती है, जैसे मैंने एंटर किया देखिए यहाँ आ गया, तो अब हमें क्या करें, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं मुकम्मल हाइट हमें पता चल जाए, इस पूरी वेबसाइट की हाइट क्या है, उसके लिए हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट में होता है डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्क्रोल हाइट, ये स्क्रोल हाइट जैसे हम एंटर करेंगे ये देखिए ये आंसर है क्या 5748, मतलब 5748 इसकी टोटल हाइट है, ये टोटल, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप विंडो डॉट स्क्रोल करें SCROLL स्क्रोल और 0 से
जीरो से और एंड तक कहाँ लेके जाए, 5748, तो बिल्कुल एंड पे आ जाएगा 5748। जैसे ही मैं एंटर करूँगा, देखिए यहाँ पर एंड बिल्कुल एंड पे आ जाएगा। जैसे ही मैंने इसको अब एंटर किया, ये देखिए बिल्कुल एंड पे आ गया, बिल्कुल स्टार्ट पे था एंड पे। अब हमने कुछ ऐसा कोड लिखना है कि वो क्या करे, वो आस्ता आस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके ऐसे नीचे आए और फिर हमारा ये जो एलिमेंट है ना, ये आस्ता 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 करके स्क्रोल करता जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम जो है ना इधर इसमें कोड करेंगे। ठीक है, तो कोड क्या करेगा, आप तो फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप में क्या होगा, आस्ता आस्ता वहाँ पर वो गेट होगा और ये आस्ता आस्ता स्क्रोलिंग स्टार्ट करता जाए। चेक करते हैं इसको कैसे हम कर सकते हैं। तो इसको एक हम कर सकते हैं, एक हम वेरिएबल लिखते हैं टोटल हाइट ले लें या टी हाइट ले लें, टोटल ले लें, टोटल एच ई आई टी एच टी टोटल हाइट इज इक्वल टू। अच्छा, अब हमने अगर इसमें स्क्रिप्ट चलाना है ना, तो इसमें क्या होता है हमारे पास, ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। जैसे एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट किया, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डबल कोट या सिंगल कोटेशन डाल दें, सिंगल कोटेशन में वो कोड लिख लूंगा जावा स्क्रिप्ट का। जावा स्क्रिप्ट का कोड जो टोटल हाइट बताता है वो कौन सा है, ये डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्क्रोल है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। और यहाँ मैं इसको क्या करता हूँ, ये क्योंकि बेसिकली आई थिंक स्ट्रिंग में देगा, तो इसको मैं कर देता हूँ इंट, ताकि ये इसको इंटीजर में हमें वो रिटर्न करें। ठीक है, चेक करते हैं वाला, प्रिंट टोटल टी ओ टी एल टोटल एच ई आई जी एच टोटल हाइट। ठीक है, तो प्रिंट टोटल हाइट मैं चला के देखता हूँ कि क्या वाकई टोटल हाइट नीचे प्रिंट करता है इसकी। मैं इसको चलाता हूँ, ठीक है, अभी ब्राउज़र पहले ओपन करेगा। ठीक है, ब्राउज़र ओपन हुआ, ओहो लॉगिन वाला पेज है, लॉगिन वाले पेज की टोटल हाइट बता देगा। अगर चलेगा तो गलती होगी, अगर मस्ट बी स्ट्रिंग बाइट लाइक नॉट अ नंबर नॉट नॉन ई टाइप। ओके, एक तो मैंने पेज गलत दे दिया, ये वाला पेज देना है, एक तो ये गलती भी है हमारे पास, एक तो मैंने इसको ये वाला पेज, ठीक हो गया। और दूसरा मैंने यहाँ पर क्या वगैरह दे रहा है, एरर कहाँ गया, वो नीचे गया, क्यों दिया रहा है, ये बेसिकली हम कॉपी कर लें, अगर इसको इधर नए कोड पे लिखते हैं, यहाँ पर इसको मैं पी एस एल आउटपुट कर देता हूँ। ये बेसिकली मतलब पाइथन फाइल ही है, वो ये हो इसको इधर लिख लेते हैं और यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं, तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्क्रोल हाइट, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्क्रोल हाइट के लिए ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूट स्ट्रिप एट किया है और प्रिंट टोटल हाइट को प्रिंट किया है। दोबारा इसको चला के देखते हैं, टाइम लेता है ये। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ, थोड़ा सा वेट करते हैं, एरर आ गया है, क्या कह रहा है, एरर आर्गुमेंट मस्ट बी ए स्ट्रिंग कंट, समझता हूँ या तो इसी में दे रहा है। अच्छा, अब रन करके देखते हैं, अगर डायरेक्टली चेक करें, ओपन किया इसने बुक्स डॉट स्क्रैप डॉट कॉम पर गया, नन, इसने हाइट नहीं बताई। अच्छा, इसका मतलब अगर इसको हम रिटर्न करें, आर ई टी यू आर एन रिटर्न, आर ई टी यू रिटर्न, अब देखते हैं, अच्छा जी इसको रिटर्न करके चेक करते हैं। हाँ जी, 25256 टाइम। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो
फिर तो हाइट इसने ज़्यादा बताई, यहाँ से कम बताइए। चलो चेक करते हैं कि क्या इशू है। यहाँ पे तो 5748 हाइट है, बुक डॉट स्क्रैप डॉट कॉम है, तो बुक डॉट स्क्रैप डॉट कॉम हाइट तो भी बतानी चाहिए थी, लेकिन 2569 है। यहाँ पे कितनी है? 5748 तो काफ़ी ज़्यादा है। 2569 चेक करते हैं क्या इशू आ रहा है। अच्छा, इसको हम इंट में ज़रा कन्वर्ट करते हैं, इंट, और अब इसको ज़रा ट्राई करते हैं। तो ये आपके पास चल गया जनाब पोर्ट, और प्रोडक्ट्स आ गई 256। चलो ठीक है, 2569 आ गया, चेक करते हैं आगे। अच्छा, यहाँ तक हमने कर लिया, टोटल हाइट हमारे पास आ ठीक है। यहाँ पे फॉर लूप चलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर आई इन, यहाँ पे हम दे देते हैं आर एन जी रेंज, और 0 से स्टार्ट करें, ठीक है, 0 से स्टार्ट करें और टोटल हाइट तक जाए, टी ओ टी एल टोटल, एच ई आई डी एच टोटल हाइट, और टोटल हाइट रेंज क्या, ये टोटल हाइट, और यहाँ देते हैं 10, मतलब 10 10 का इंटरवल के साथ, ठीक है। और यहाँ देते हैं ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, और यहाँ हम दे देते हैं स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट हमारी क्या है बेसिकली, ये आवाज़ सही आ रही है सबको? ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर हम एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट देते हैं विंडो डॉट स्क्रोल, ये विंडो डॉट स्क्रोल, ठीक है। ये अब हमने डॉक्यूमेंटेड बॉडी से वो हो गया, विंडो डॉट स्क्रोल देना है। कॉपी किया हमने, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट किया, सिंगल कोटेशन में मैंने लिख दिया विंडो डॉट स्क्रोल। अच्छा, अब ये विंडो डॉट स्क्रोल है, इधर लिख दिया मैंने एफ एफ स्ट्रिंग, और यहाँ पर जो 574 है टोटल हाइट है, ठीक है, उसको मैं कहता हूँ कि इसको आप करो यहाँ पर आप आई, क्योंकि आई में वो उसके हिसाब से इंटरवल देगा, ठीक है। और अब इसको मैं चलाऊँगा, और उसमें क्या होगा, चलेगा टोटल हाइट आएगी, मैंने इंट में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि यहाँ पे इंटीजर देना होता है। तो 0 टोटल हाइट, टोटल हाइट मतलब 0 से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाए, और फिर 10 10 का जब भी करें तो 10 10 का इंटरवल हो, 10 10 के साथ नीचे आए, ठीक है। 10 के बजाय अगर यहाँ पे आप 15 दे दो, ठीक है। तो अब इसको चला के देखते हैं, जैसे इसको चलाएंगे हम, इसको क्या करता है वो, अब यहाँ पर आया वो, पेज ओपन किया, और ये देखिए स्क्रॉल कर रहे हैं, एंड पे आया, स्क्रॉल किया, ठीक है, और यहाँ पे आके एंड हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ड्राइवर डॉट क्विट कर देते हैं तो ब्राउज़र क्या हो जाता है? जी, इसको थोड़ा मैं स्लो कर देता हूँ, 15 की बजाय ना मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ, ठीक है। अब ये इसने ओपन किया है, ठीक है, आप ये देखिए ऑटो स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है, मैंने स्पीड कम कर दी है, अब देखा स्क्रॉल एंड पे आया, ठीक है। तो अब डायनेमिक वेबसाइट पे क्या होता है कि हम कैसे लिखेंगे बार बार ताकि ब्राउज़र खुद उस पर जाए और इसको स्क्रॉल करे, ठीक है। तो इसके और पेजेस भी हैं, तो वहाँ पे आप और पेजेस का लिंक दे दो, कुछ लूप्स ला के या जिस तरह भी, फिर हर दफ़ा उस लिंक पे जाए और करके स्क्रॉल करे। जब स्क्रॉल करेगा, अब इस ड्राइवर के अंदर अगर आप कोई भी एलिमेंट गेट करते हो ना, तो अब उस जितना जब इसको स्क्रॉल करेगा ना ये, तो जब तक ये एंड पे स्क्रॉल करेगा ना, तो सारा का सारा डेटा लोड हो जाएगा। तो सारा का सारा जब डेटा लोड हो जाएगा, तो अब इस ड्राइवर के अंदर सारा का सारा डेटा आ जाएगा। अगर लिंक, अगर आप सिंपल रिक्वेस्ट भेजोगे जैसे स्क्रैपी के थ्रू भेजते हैं, तो उसमें क्या होगा कि सिर्फ सिर्फ फर्स्ट टाइम जितना डेटा आता है ना, फर्स्ट टाइम बस वो उतना वो अपने पास रखेगा, बाकी डाटा उसके पास नहीं आएगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ आ गई है, ठीक है।
तो ये फिर आज जॉनसन आज इतना ही करते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर आगे इसको देखेंगे, आगे इसको हम किस तरह हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमने जावास्क्रिप्ट का बता दिया कि जावास्क्रिप्ट को कोड चलाना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे एक ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट रखते हैं, ठीक है। बाकी ये वाला कोड मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है, अभी क्लास के अंदर उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो उसको आप प्रैक्टिस मुख्तलिफ वेबसाइट के फॉर्म को फिल करने की आप ट्राई करें, इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है।